अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे मिर्गी मुद्रा पे। इसको मिर्गी मुद्रा भी कहते हैं, इसको हिरण का मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो अभी हम बनाने का तरीका डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल हिरण का मुंह जैसा इसका शेप बन जाती है, जैसे हिरण का मुंह होता है बिल्कुल वही शेप होती है। तो मिर्गी मुद्रा, इसके आज हम फ़ायदे भी डिस्कस करते हैं, इसका बनाने का तरीका भी और इसका ड्यूरेशन भी, कितनी देर बनाना है। मृग मुद्रा या मिर्गी मुद्रा या हिरण का मुद्रा बनाने का तरीका ये है कि जो ये लाइन है, पहले पोर जो आपके दरमियान की दो उंगलियों के लाइन के ऊपर आपने अंगूठा रख देना है। आप देख रहे होंगे कि ये हिरण का मुंह बन जाता है। अगर इसको मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो बिल्कुल जैसे एक हिरण का मुंह होता है, सेम टू सेम वैसे आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह आपने दूसरे हाथ का भी टच कर लेना अगर आप दोनों हाथों से बनाना चाहते हैं। ये है मृग मुद्रा, मिर्गी मुद्रा, मृग मुद्रा, हिरण का मुद्रा। ये बनाने का इसका ड्यूरेशन ये होगा कि इसको कम से कम 10 मिनट बनाएंगे और 24 घंटे में मैक्सिमम 1 घंटा बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा। आप इकट्ठा भी इसको कर सकते हैं और आप इसको 6 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं 10 मिनट के हिसाब से, क्योंकि कम से कम 10 मिनट करना है आपने। और कुछ असूल होते हैं मुद्रा बनाने के, वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। मुद्रा जब भी आप बनाएं, आप पहले हाथों को धो लें अच्छी तरह, हैंड वॉश कर लें। अगर आपके हाथ साफ नहीं हैं तो मुद्रा का फ़ायदा नहीं होगा, वक़्त ज़ाया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कैसे साफ होने चाहिए, मतलब हाथों के ऊपर चिकनाई ना हो। अगर आपके हाथों पर चिकनाई होगी तो मुद्रा का इलम फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। अब चिकनाई लोशन की भी हो सकती है, क्रीम की भी हो सकती है, और पसीने की भी हो सकती है, और खाने की भी हो सकती है। किसी भी किस्म की चिकनाई अगर हाथों के ऊपर है तो आप मुद्रा बनाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा असूल, मुद्रा हमेशा बॉडी की पोजीशन स्टिल होनी चाहिए तब करें। अगर आप मूवमेंट में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप साथ मुद्रा बना लेते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। आपने स्टिल पोजीशन में होना है तो मुद्रा करना है तो फ़ायदा होगा। बैठ के बना सकते हैं, लेट के बना सकते हैं, खड़े होकर बना सकते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं तो भी बना सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल है, आप बैठे हुए हैं। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, बिजी हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप गपशप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप मुद्रा बना लें आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ बॉडी की पोजीशन स्टिल होनी चाहिए और इसको ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेन अगर किसी में मसरूफ़ है, बातें कर रहे हैं, तो भी आप मुद्रा बनाएं फ़ायदा होगा। ये तो इसके असूल हैं। अब आते हैं इसके फ़ायद की तरफ। सबसे पहले इसके नाम से ही ज़ाहिर है ये मिर्गी मुद्रा है। ये मिर्गी के जिसको दौरे पड़ते हों उसके लिए बेहतरीन मुद्रा है। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन मुद्रा है। जिनको नर्वस सिस्टम का मसला है उनके लिए बड़ा बेहतरीन मुद्रा है। ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको ज़्यादा सोचें आती हैं, ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन मुद्रा है मिर्गी मुद्रा। जिनके दिमाग पे प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, जो चीज़ों में उलझ जाते हैं, जो चीज़ों को सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सवार कर लेते हैं, सेंसिटिव तबीयत के लोग हैं, वो मिर्गी मुद्रा करें। जिनको ब्रेन के इशू हैं, मेंटली डिसऑर्डर है, वो मिर्गी मुद्रा करें। अगर आप कुछ ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप उससे पहले मिर्गी मुद्रा कर लें। ये प्रेजेंट करने का मुद्रा है, ये दिमाग को मजबूत करने का मुद्रा है। अगर आपको अपने दिमाग में अनईजी फील होता है, जकड़न फील होती है, तनाव फील होता है, आप मिर्गी मुद्रा कर लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि अगर गलती है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप उस गलती के बारे में मुझे आगाह कर दें तो मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।